आठवीं दिन के मौका पर नीना अकबर ऑफ सुखचैन वेलनेस क्लब ने सुखचैन में ऑर्गेनाइज किया एक ब्यूटीफुल इवेंट, जिसमें वुमेन फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ ने पार्टिसिपेट किया। आज वी हैव सेलिब्रेटेड द थर्ड वुमेन्स इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी इन माय क्लब, और मुझे बड़ी खुशी हुई है और बहुत मैं फ़ख्र से बोल सकती हूँ कि हमने कोई 35-36 अवार्ड्स लेडीज़ को, एंटरप्रेन्योर्स को, और जो लेडीज़ ने बहुत अकम्प्लिश किया है ज़िंदगी में अपनी, उनको हमने अवार्ड्स दिए हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हर रूप में, हर रिश्ते में औरत का एक रुतबा है, एक मकाम है, उसके हकूक़ हैं, उसकी इज़्ज़त है। मैं तमाम देखने वाली ख़वातीन को आज का दिन, जो आलमी दिन मनाया जा रहा है ख़वातीन को, उस पर मुबारकबाद देती हूँ, और ये कहूँगी कि जो ख्वाब भी आप लोग देखती हैं उसे ज़रूर पूरा कीजिए। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा इस एनुअल इवेंट में वेरियस वुमेन को एक्सीलेंस अवार्ड भी दिए गए। आज वुमेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और हम सब सुखचैन वेलनेस क्लब में मौजूद हैं। आई हैव बीन अवार्डेड एन अवार्ड फॉर यू नो फैशन जर्नलिज्म। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि सुखचैन ने मुझे ये ऑनरेबल एक अवार्ड दिया, और मैं सब पाकिस्तान वुमेन्स को हैप्पी वुमेन्स डे कहना चाहूँगी। थैंक यू। इस तकरीब में खसूसी तौर पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस रेशमा जी को भी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। मैं नीना अकबर का खास तौर पे इसलिए थैंक यू करना चाहती हूँ दैट यू नो आई मीन विमेन जो है उनको इस तरह उनके टैलेंट को रिकग्नाइज करना और उनको इस जगह तक लेके आना, दैट यू नो यू गिविंग देम सो मच रिस्पेक्ट बाय गिविंग देम अवार्ड्स, बहुत बड़ी बात है। और नीना ये पिछले 3 साल से कर रही हैं, शी इज़ गोइंग टू कंटिन्यू टू डू दिस। आई जस्ट वॉन्ट टू से यू के ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, और बहुत अच्छा लगता है जब आप वुमेन्स को इंकरेज करते हो, उन पर एक उन पर प्राउड करते हो। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी Being a female, I'm very proud to myself. खवातीन की इस तरह से हौसला अफजाई करने से दीगर खवातीन की भी हौसला अफजाई होती है, इनमें भी आगे बढ़ने की हिम्मत पैदा होती है, और वो मुआशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान में आज विमेन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, और एक बहुत ही स्पेशल दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है। हमें इसको उसी तरह ही एंथुसियास्टिक होके जो है वो सेलिब्रेट इसको हमें करना चाहिए। खवातीन के आलमी दिन के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगी कि औरत को अपने ऊपर एतमाद करना चाहिए, और मैं तमाम सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, स्पेशली हमारे मुल्क में औरत की अहमियत और इज़्ज़त में मुझे काफ़ी कमी नज़र आती है, तो औरत को सबसे पहले उसका खोया हुआ मुकाम और उसकी रिस्पेक्ट करना सीखिए।